alaikum I am Sumbul Zehra from Sir Syed Government Girls College with the support and guidance of our Principal Professor Khalda Parveen and with the great response of my students, today I am here again to deliver lecture on electric field due to disc of charges. Now, let's coming to our topic which is electric field due to disc of charges. चार्जेस। अगर हमें कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर हो और जिसकी रेडियस कैपिटल आर हो सो इस डिस्क की एक्सिस पर उसके सेंटर से कोई डिस्टेंस ए पर किसी पॉइंट पे क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे दिस वी विल डिस्कस टूडे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस डिस्क पे एक रिंग कंसीडर करेंगे जो कि डिस्क के सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे उस रिंग की रेडियस है और जो उसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यह रिंग है और जो डिस्क है उसकी विर्थ डी के बराबर है और अगर हम निकालना चाहें कि इस रिंग में कितना चार्ज होगा तो अगर मैं कहूँ Q, विच इज़ चार्ज ऑन रिंग सो वो बराबर होगा इस रिंग का एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी और रिंग का जो एरिया होगा वो बराबर होगा टू पाई एक्स डी एक्स एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑन दिस रिंग विच इज़ इक्वल टू टू पाई एक्स सिग्मा इंटू डी एक्स जो हमने कंसिडर की है और हमें यह भी पता है कि अगर कोई चार्ज रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और जो टोटल चार्ज है इस रिंग पे वो कैपिटल क्यू के बराबर है अगर इस रिंग के एक्सिस पे उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस ए पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो है E equals to one upon four pi epsilon naught Q into small a upon r square plus a square की पावर three by two ये डेरीवेशन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में सो ये फार्मूला हम डायरेक्टली यूज करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक रिंग बनी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हम मान लेते हैं कि वो सिग्मा डी ई के बराबर है सो डी इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा ए क्यू इक्वल्स टू टू पाई एक्स डी एक्स इंटू सिग्मा के बराबर है इस रिंग के सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है अपॉन उसका रेडियस डी ई इक्व टू वन अपॉन फोर पाए एफ्सलॉन नोट टू पाए एक्स डी एक्स सिगमा ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू तो ये हमारे पास आ गया इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा ठीक है तो ये तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो जीरो से स्मॉल आर है तो ये आर वो है जो इस डिस्क का रेडियस है तो इंटीग्रेशन की लिमिट अगर आप अप्लाई करें ज़ीरो से आर विच इज़ डी ईक्स टू इंटीग्रल ज़ीरो टू आर टू पाए सिगमा ए एक्स डी एक्स अपॉन फोर पाए एफ्सलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू विच इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो पाए सिग्मा ए अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ज़ीरो टू आर टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अब अगर मैं टाइम जो है वो कंसिडर कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल तो डी टी जो है वो क्या होगा टू एक्स डी एक्स के इक्वल एक सो so, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये जो है वो वैल्यूज़ रखूँ तो आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट जो बनेगी वो ए स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक तो आपके पास जो है वो पाई सिग्मा ए अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ए स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी लिमिट है अंदर डी टी अपॉन टी की पावर थ्री बाय टू विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल टी की पावर माइनस थ्री बाय टू डी टी अब मैं जब इंटीग्रेट करूँगी तो टी माइनस थ्री बाय टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाय टू प्लस वन इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो ए स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक अब टू से टू आपका जो है वो टू को आप फोर से जो है वो कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाए सिग्मा ए अपॉन फोर पाए एफ्सलॉन नॉट माइनस टू अपॉन टी की पावर हाफ ए स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस एक्वा अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो है पाए सिग्मा ए अपॉन फोर पाए एफ्सलॉन नॉट इन टू माइनस टू अपॉन टी की पावर हाफ लिमिट्स जो आपने अभी अप्लाई नहीं किए वो है ए स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक नाउ वी अप्लाई दिस लिमिट्स तो पाए सिग्मा ए टू को आप बाहर ले लीजिए अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट नाट इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब मैं अगर इस पाई से पाई कैंसिल टू से फोर तो सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब मैं अगर इस ए को अंदर ले लूँ तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन वन माइनस ए अपॉन अंडर रोड ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्जेस अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट शीट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ठीक है ये डिस्क सर्कुलर इनफाइनाइट कब होगी इसका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होगा तो ये सर्कुलर डिस्क भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी मीन्स कैपिटल आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये डिनोमिनेटर जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को एंड ए अपॉन इन्फिटी जो है वो किसके इक्वल होगा ज़ीरो के सो so, आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिल नॉट जो कि इक्वल है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्जेस जो हम पहले निकाल चुके थे ये इससे इंडिपेंडेंट है कि हम किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसमें ए वाली कोई ट्रम नहीं है जो कि डिस्टेंस को बताती है Right. So that's all for today. Thank you so much.